जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम समझते हैं सेल यानी कि कोशिका। बायोलॉजी का ये काफी बड़ा चैप्टर है, तो इसको एक या दो पार्ट में करके ही खत्म हो पाएगा, क्योंकि काफी बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए हम इसे दो पार्ट में करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल यानी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? शरीर की है सबसे छोटी इकाई जो अपने सारे काम स्वयं से कर ले। दरअसल क्या हुआ कि जब शरीर की पूरी तरीके से जांच पड़ताल की जाने लगी, हर एक अंग ढूंढा जाने लगा, तो वैज्ञानिकों के मन में ख्याल आया कि शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो अपने सारे काम स्वयं से कर लेता है। तब उन्होंने खोजना शुरू किया और फिर उन्होंने सेल का पता लगाया, और जब उसके अंदर सारी चीजों को देखा तब उन्हें पता चला कि कोशिका यानी सेल ऐसी चीज है जो अपने सारे काम स्वयं से कर लेती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बेसिक चीजें जो सेल्स की जो बेसिक चीजें हैं यानी कोशिका जो ये चैप्टर है इसकी जो बेसिक चीजें हैं वो क्या है। सबसे पहले सेल को हम किससे पढ़ेंगे? साइटो। इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है? साइटो। स्टडी जब हम करेंगे यानी कि अध्ययन जब हम करेंगे तो इसे क्या पढ़ेंगे? साइटोलॉजी कहेंगे। नेक्स्ट जो हमारा आता है कि इसकी खोज किसने की थी, वो हमारे थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने एक लकड़ी का एक हिस्से को माइक्रोस्कोप में देखा था और तभी उन्होंने कोशिका की खोज की थी, तो वो कोशिका के जनक भी उन्हें माना जाता है। तो वो कौन है? रॉबर्ट हुक है। नेक्स्ट जो हमारा आता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो वो थे एंटोनी वॉन लेउनहोल्ट। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। कैसे की थी? एल्गी जो नहीं होता है, जो काई जमी रहती है, हाँ वही, तो उसी को इन्होंने जब माइक्रोस्कोप में देखा तो देखा कि इसके अंदर तो सारी जो चीजें हैं वो तो खुद से वर्क कर रही हैं। तो उन्होंने ये पूरी दुनिया को बताया कि कोशिकाएं जीवित भी होती हैं। तो अगर कभी एग्जाम में पूछ ले कि कोशिका की जनक कौन है यानी कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो वहां पर रॉबर्ट हुक पहले लिखिएगा। अगर जीवित कोशिका पूछे तब एंटोनी वॉन लेउनहोल्ट का नाम लिखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा आता है सिद्धांत, इसका प्रिंसिपल। अब दरअसल जब इतनी चीजें हो गई, उन्होंने लकड़ी से बताया और उन्होंने एल्गी से बताया, अब स्लाइडन एवं स्वान नामक दो वैज्ञानिक आए जिन्होंने ये बताया कि हमारा पूरा जो शरीर है वो किससे बना हुआ है? कोशिकाओं से बना हुआ। यानी कि जो इसका सिद्धांत था किसने दिया था? स्लाइडन एवं स्वान नामक दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था। अब जो हमारी अगली चीज आती है, इंसान के शरीर में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म की होती है, सबसे बड़ी कोशिका ओवम की होती है, दुनिया में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है, और दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच के अंडे यानी शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। नेक्स्ट जो हमारी चीज आती है वो है कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। देखिए, बड़ी और लंबी में लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। बड़ी यानी कि जो चीज साइज में भी बड़ी हो, एरिया में भी बड़ी हो, और लंबी जो सीधी हो यानी कि जो हाइट के बेस पे नापी जा रही है, जो लंबाई में हो उसे हम क्या, वो लॉन्गेस्ट, उसको लंबाई में देखते हैं। तो वही क्या है, जो शरीर की सबसे लंबी कोशिका है वो कौन सी है? न्यूरॉन से। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा आता है फास्टेस्ट डिवीजन, जो न्यूरॉन सेल है इसमें तो डिवीजन ही नहीं होता है, और जो लिवर है इसमें सबसे तेज डिवीजन होता है। तभी जब कहते हैं ना कि अपने सर को बचा के रखिए, क्योंकि सर में न्यूरॉन सेल पाई जाती है और न्यूरॉन सेल में सेल डिवीजन ही नहीं होता। अभी आगे समझेगी, जब सेंट्रोसोम आएगा तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि सेल डिवीजन क्या होता है। अभी तो बेसिक समझ लीजिए, इसको लिख लीजिए, आगे जब समझेंगे ना, जब पूरा चैप्टर स्टडी करेंगे तब खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये सेल डिवीजन होता क्या है। ठीक है, तो सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन और सबसे तेज जिसमें कोशिका का विभाजन होता है और डिवीजन होता है वो है हमारा लिवर। अब देखिए इंसान का शरीर कैसे बनता है, कैसे उसकी स्टार्टिंग होती है। सबसे पहले एक सेल यानी एक कोशिका, फिर उसके जब कई सारी सेल्स मिल जाते हैं तो क्या बनता है? टिश्यू। ये हमारे आगे के चैप्टर्स हैं, तो इनको भी आगे स्टडी करेंगे, पहले सेल तो खत्म हो जाए। अब इस टिश्यूज जब सारे मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? अंग, ऑर्गन। और जब ऑर्गन्स मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? बॉडी यानी कि शरीर। आई होप इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद हम इसके आगे का समझते हैं। चलिए अब हम समझते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स और उसके अंदर जितने भी उसके पार्ट यानी उसके जो अंदर जितनी कोशिकाएं पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये जैसी चीजें हैं, उनको समझने से पहले
प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक समझते हैं। किस देखिए सेल्स को दो भागों में विभाजित किया गया है, कौन कौन सा है, पहला है हमारा प्रोकैरियोटिक और दूसरा है हमारा यूकैरियोटिक। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इन्हें हम सिंपल आइज से नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो यूकैरियोटिक है इन्हें हम सिंपल आइज से देख सकते हैं। प्रोकैरियोटिक जो है यही हमारी जो स्टार्टिंग सेल्स हैं, यानी कि जितने भी वायरस फंगी जितनी भी चीजें आती हैं वो किसके अंदर आती हैं, हमारे प्रोकैरियोटिक के अंदर आ सकती हैं। इन्हें हम सिंपल आइज से नहीं देख सकते, लेकिन जो यूकैरियोटिक है इनके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, एनिमल और प्लांट, इन्हें हम आसानी से देख सकते हैं सिंपल आइज से। ये यूनिसेलुलर होती है। यूनिसेलुलर क्या होता है, यूनिसेलुलर का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक सेल प्रेजेंट हो, सिंगल सेल, तो वो क्या है यूनिसेलुलर। और यूनिसेलुलर किसके अंदर होता है, प्रोकैरियोटिक। मल्टीसेलुलर जिसके अंदर बहुत सी कोशिकाएं हो, अनेकों कोशिकाएं हो, तो वो क्या है मल्टीसेलुलर है। अब प्रोकैरियोटिक की जो सेल्स होती हैं ये डेवलप उतनी नहीं होती हैं, लेकिन जो यूकैरियोटिक की सेल्स हैं ये डेवलप होती हैं। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं फिर इसके बाद आगे का समझते हैं। हम समझते हैं कि जो सेल है वो सारे काम अपने खुद से कैसे करती है, क्या क्या उसके अंदर चीजें होती हैं जिसकी वजह से अपने सारे काम खुद से कर लेती है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले आता है हमारा सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम किस नाम से जानते हैं हिंदी में, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली ये क्या काम करता है, एक सेल को प्रोटेक्शन का काम करता है। मान लीजिए ये एक कवरिंग लेयर है, ये क्या है कवरिंग लेयर है, इसे हम क्या कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। इसी के अंदर जो सारी कोशिकाएं होती हैं वो पाई जाती हैं। अब इस ये किसके बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। और ये इंसान और जानवर यानी कि ह्यूमन और एनिमल दो सॉरी प्लांट एंड एनिमल दोनों में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सेल वॉल। अब ये जो हमारी गई हुई है लाइन, अब इसी के ऊपर एक छोटी सी लेयर बना दी है, यानी इसको और प्रोटेक्शन देने के लिए। एग्जांपल लीजिए, जैसे आप कॉपी बुक्स कुछ भी लेने जाते हैं तो आपको किसी पन्नी या थैले में करके देता है, अगर कम रहती हैं तो वो एक पन्नी लगा के देता है, और अगर ज़्यादा होती हैं तो वो ज़्यादा मीन्स दो पन्नी लगा के देता है या दो थैला लगा के देता है। या तो उसी तरह इसको समझिए कि जो बड़ी कोशिकाएँ रहती हैं जैसे कि प्लांट्स में, तो उसमें डबल लेयरिंग सेल्स होती है, उसमें सेल मेम्ब्रेन भी होती है और सेल वॉल दोनों होती हैं प्लांट में, और एनिमल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। ये सेलुलोज की बनी होती है, ये जो दोनों ही है ये सेल्स को प्रोटेक्शन का काम करती है। नेक्स्ट हमारा आता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी खोज दरअसल किसने की थी, अल्टमैन ने की थी। किसने की थी, अल्टमैन ने इसकी खोज की थी। हिंदी में इसका नाम है सूत्रकणिका। और ये क्या है, ऊर्जा ग्रह है, ये पावर हाउस ऑफ सेल है। ये क्या काम करता है, ये ऊर्जा को बनाता है। कैसे बनाता है, ये ऑक्सीजन लेता है एडीपी के फॉर्म में, और इसके अंदर एक क्रैब साइकिल नामक चीज चलती है, कुछ ऐसा इसका जो स्ट्रक्चर रहता है, वो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही रहता है। तो अब इसी के अंदर जो क्रैब साइकिल है वो ऐसे 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 चलती है, और इसी क्रैब साइकिल से हमारा क्या बनता है एटीपी, और 38 एटीपी मिलकर हमारा क्या बना देते हैं ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या काम करता है, एनर्जी काम करता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है, हमारा एनर्जी देने का काम करता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फिर इसके आगे किसी समझते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया हमने समझ लिया था, अब हम समझते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। क्या है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स ऊर्जा परिवहन का काम करता है, यानी पैकेजिंग ऑफ अ सेल। ये जो है ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है। जैसे आप कंटिन्यूअसली हाथों से काम कर रहे हैं, मैं कंटिन्यूअसली हाथों को मूव कर रहा हूँ, कंटिन्यूअसली बोल रहा हूँ, तो क्या होगा कि धीरे धीरे मेरे हाथों और जो मुंह है उसकी एनर्जी जो है डाउन होनी चाहिए। लेकिन हम थोड़ी देर बोलने के बाद वो एनर्जी डाउन होनी चाहिए, लेकिन वो फिर भी काम करता रहता है। उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है, यानी कि शरीर के कुछ ऐसे पार्ट जहाँ पर एनर्जी ज़्यादा है तो वो वहाँ से ले आकर इस पार्ट तक देता है, और ये जो हमारे पार्ट्स हैं वो काम करते रहते हैं, यानी ऊर्जा परिवहन, ये पैकेजिंग ऑफ अ सेल, ये ऊर्जा को पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट जो हमारी चीज आती है वो है वैक्यूल्स, यानी कि रसधानी। लेकिन गोल्जी कॉम्प्लेक्स में एक चीज रह गई, वो थी इसकी खोज दरअसल कैमिलो गोल्जी ने की थी। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछ लेता है एग्जाम में, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। अब वैक्यूल्स देख लेते हैं। वैक्यूल्स यानी रसधानी, ये क्या करता है, जल संग्रह का काम करता है, वाटर को स्टोर करता है। जो हमारी सेल्स हैं उसी के अंदर ये जो वैक्यूल्स होते हैं उन्हीं के अंदर पानी भरा होता है, ये इसके अंदर वाटर्स होते हैं। अब ये जो वाटर होते हैं तो ये पूरी किसी एक सेल में थोड़ी होंगे, पूरी बॉडी में ये वाटर होते हैं। हमारे शरीर में 65%
यानी कि 65% वाटर है हमारे शरीर में। कितना? 65% वाटर है। अब वो जो वाटर वो स्टोमच में नहीं है, वो वाटर हमारे सेल्स के अंदर, जैसे मैंने बताया ना कि वैक्यूल्स जो है वो सेल्स के अंदर है, जो गॉल्जी कॉम्प्लेक्स है सेल्स के अंदर है, माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स के अंदर है, जितने भी ये सब चीजें बता रहे हैं किसके अंदर है, सेल्स के अंदर है। अब नेक्स्ट जो हमारी चीज आती है सेंट्रोसोम, ये क्या काम करता है? ये जो है डिवीजन ऑफ सेल, कोशिका का विभाजन करता है। कैसे करता है? जब शरीर को, जब कोई भी छोटा बच्चा बड़ा होता है तब कोशिका विभाजन होती है, या जब कई बार चोट लग जाती है तब कोशिका विभाजन होता है, ठीक है। धीरे धीरे, यानी कि कोई बच्चा है वो बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे वो सेल्स क्या होती हैं, डिवाइड होती चली जाती हैं। एक है तो अपने आप को दो में कर लेगी, दो है फिर वो अपने आप को उसमें एक, फिर वो दो को हो जाएंगी, यानी कि वो ऐसे बढ़ती चली जाती हैं। इसकी खोज जो है बॉबरी नामक एक वैज्ञानिक ने की थी। सबसे तेज शरीर में जो कोशिका का विभाजन होता है वो लीवर है, इसीलिए कहते हैं ना कि लीवर जो है वो सबसे जल्दी रिकवर होता है, तो इसीलिए कहते हैं, क्योंकि वहां पे कोशिका का जो विभाजन है वो बहुत ही तेजी से होता है। ब्रेन, ब्रेन में हमारे न्यूरॉन सेल पाई जाती है। न्यूरॉन सेल क्या होती है, ये जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे टिश्यू, तो उसमें बताएंगे कि न्यूरॉन टिश्यू क्या है। दरअसल न्यूरॉन टिश्यू में कभी भी सेल डिवीजन नहीं होता, क्योंकि वहां पर सेंट्रोसोम मौजूद नहीं होता। न्यूरॉन सेल टिश्यू क्या है ये जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से समझा देंगे। अभी बस इतना समझ लीजिए कि उसके अंदर डिवीजन नहीं होता है। ये कहाँ पर? ब्रेन में पाया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में, एक तरीके से पूरी बॉडी में ही ये पाया जाता है। कहाँ और कैसे पाया जाता है ये आगे बाद में, इसका एक अलग चैप्टर है उसमें समझाएंगे। अब हम समझते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? इसे हम इनमें कहते हैं अंतः प्रदत्त जालिका। ये क्या काम करता है? ये एक एंडोस्केलेटन यानी कि इंटरनल सपोर्ट मींस आंतरिक कंकाल, आंतरिक सहायता का काम करता है। ये कोशिका के अंदर इस तरीके से सहायता देता है जिसकी वजह से हमारी जो कोशिका होती है वो एक फॉर्म में टिकी रहती है, मींस सर्कल के फॉर्म में एक टिकी रहती है। मींस एक एग्जांपल लीजिए आप, जब कोई भी घर बनता है तो उसमें छत रखने के लिए पिलर्स लगाए जाते हैं ना, एक पिलर यहाँ रख देते हैं, दो पिलर दूसरा यहाँ, तीसरा वहाँ, चौथा वहाँ, तो ऐसे से रख के फिर उसके ऊपर छत रखी जाती है ताकि वो छत ना गिरे, क्योंकि डायरेक्ट रख देंगे तो गिर जाएगी ना। तो सपोर्ट का काम करता है कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे दो पार्ट में बांटा गया, एक था स्मूथ एक था रफ। स्मूथ वाला जो फेस है ये फैट यानी चर्बी का जो मेस, ये यहाँ से जो चर्बी है वो निकल पैदा होती है, और जो रफ साइड है जिसमें ये छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, मीन्स रफ साइड से प्रोटीन निकलता है। वो प्रोटीन किससे निकलता है? वो रफ साइड से नहीं निकलता, रफ साइड पे ये जो डॉट्स दिख रहे हैं ना, राइबोसोम है ये। इस राइबोसोम से क्या निकलता है? राइबोसोम क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। राइबोसोम किसका काम करते हैं? प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। नेक्स्ट हमारी टॉपिक ही वही है, क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम की खोज दरअसल पेलाडे ने की थी, हालांकि इसमें रॉबिन्सन जैसे महान वैज्ञानिकों का नाम आता है, लेकिन लास्ट में खोज इसकी पेलाडे ने ही की थी। ये प्रोटीन बनाने का काम करता है, इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। अब इसमें प्रोटीन निकलता है, जो इस राइबोसोम है इसको दो तरीके से निकाला जाता है। वो निकालने का तरीका जो है उसे क्या नाम दिया गया है? सेडिमेंटेशन कोफिशियंट। देखिए, जब विद्युत एक प्रक्रिया दी जाती है जिसमें जो राइबोसोम के कण्स होते हैं वो जब वो वाटर के अंदर पहले पहुंच गए, जहां पर पहले पहुंच गया मीन्स जो बड़ा होगा तो उसके कण जो है वो पहले पहुंचेंगे, और जो छोटे होंगे उसके कण बाद में पहुंचेंगे। तो वही चीज में बताएगा ना, एक में 80s दूसरे में 70s, मीन्स जिसमें पहले पहुंच जाए वो बड़ा होता है। तो वो बड़ा क्या है? 80s, जो कि दिख ही रहा है ऑलरेडी, भी ऐसे ही समझ में आ रहा है। देखिए 70s जो प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं, और 80s जो है वो यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हमने आपको शुरू में ही बता दिया था, अभी हम डिफरेंस भी लास्ट में आपको बता देंगे, फिर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि प्रोकैरियोटिक क्या है और यूकैरियोटिक क्या होता है। ठीक, समझते हैं न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। ये क्या काम करता है?
ये कोशिका को कंट्रोल करने का पूरा काम केंद्रक यानी न्यूक्लियस ही करता है। रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। इसके अंदर 80% प्रोटीन और 10% डीएनए प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्रोमोसोम होता है और क्रोमोसोम के ही अंदर डीएनए आरएनए वगैरह चीजें होती हैं, जिसके डीएनए आरएनए वही है जिससे हम किसी के भी बॉडी चेकअप जब करते हैं तो मालूम कैसे करते हैं कि ये आदमी वही है, कैसे उसकी पुष्टि करते हैं, या फिर जब कभी ऐसा होता है कि बाप और बेटे की पुष्टि करनी होती है तो हम किसकी सहायता ले करते हैं, वो है डीएनए। नेक्स्ट जो हमारा आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज हमारी डी डूबे ने की थी। इसके अंदर हाइड्रोलेटिक एंजाइम पाया जाता है, इसे हम हिंदी में कहते हैं जल अपघटक एंजाइम। लाइसोसोम को हिंदी में लाइसोसोम ही कहते हैं, दोनों नाम इसका एक ही है। इसे हाइड्रोलेटिक एंजाइम को हिंदी में जल अपघटक एंजाइम कहते हैं। ये क्या काम करता है? सेल डाइजेशन, ये कोशिका को पचाने का काम करता है। इसे सुसाइड बैग भी कहते हैं। देखिए कोशिका को ये कब पचाता है, जैसे कभी कहीं पर आपको चोट लग जाती है तो वहां पर काला पड़ जाता है, तो ये लाइसोसोम क्या करता है, ये वहां पर थोड़ा थोड़ा जो अपने कण है, मीन्स ये जो एंजाइम जो इसके पास अंदर होता है वो वहां पर छोड़ता जाता है और धीरे धीरे वहां की जो सेल्स होती हैं वो डाइजेस्ट होते चले जाते हैं और फिर सेल्स डिवीजन होकर वहां पे नए सेल्स बन जाते हैं और वो जगह रिकवर हो जाती है। सुसाइड बैग कब कहते हैं? जब कभी ऐसा कंडीशन आ जाता है कि सेल्स के अंदर सभी काम करना बंद कर देते हैं, जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, जितने भी मीन्स सेल्स हैं, जब वो सब काम करना बंद कर देते हैं तो ये क्या काम करता है, अपने आप को फाड़ देता है, मीन्स ये सुसाइड बैग, ये वहां पर फट जाता है और पूरी जो सेल्स हैं वो खत्म हो जाती हैं। न्यूक्लियस और लाइसोसोम समझ में आ चुका होगा, चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसके आगे का समझते हैं। क्रोमोसोम हमने लाइसोसोम तक समझ लिया था, अब बारी है क्रोमोसोम की। जैसा कि मैंने न्यूक्लियस में बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, वैसे कि इसमें भी वही चीज है कि क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में, जो कि मैंने पहले ही बताया था। इस क्रोमोसोम के ही अंदर हमारे डीएनए, आरएनए और जीन वगैरह पाए जाते हैं। ये जो देख रहे हैं ना, कुछ इसी प्रकार का है। जब इसको खींचते हैं, जब इसको ऐसे खींचते चले जाएंगे ना, तो उसी में से डीएनए निकलता है, फिर आरएनए और फिर जीन। उन्हें इसी को जब खींचते चले जाएंगे तो ये सारी चीजें हमें मिल जाती हैं। क्रोमोसोम इंसानों में 46 पाई जाती है और जोड़े में 2, मीन्स की डबल अगर करेंगे तो 23 में पाया जाता है, 23 में देखा जाता है मीन्स। नेक्स्ट जो हमारी आती है, मेल के अंदर 44+2 यानी कि XY और फीमेल के अंदर 44+2 यानी कि XX। मतलब समझिए कि XY और XX क्यों रखा गया, ये जो है इसको एक साथ पूरा 46 क्यों नहीं रखा गया, यहाँ पे भी चेंज है, यहाँ पे भी जोड़ के रखा गया है। इसलिए रखा गया है क्योंकि जो महिला और पुरुष हैं इनमें हर अंग सही नहीं होते हैं। 44 इसमें 44 का मतलब ये है कि मोस्टली सारे पार्ट्स जो हैं वो सेम होते हैं, सिवाय 2% पार्ट्स के। सारे पार्ट्स हम ऐसे होता नहीं कि हम कोई फीमेल है या मेल है तो अपनी किडनी निकाल किसी मेल या फीमेल को दे देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर सारे पार्ट्स जो कि सेम होते हैं, सिर्फ 2% मीन्स 2 यहाँ पे जो क्रोमोसोम शो कर रहा है कि अलग होते हैं, एक्स वाई उसी को शो कर रहा है। ये एक्स वाई मेल को शो कर रहा है, ये एक्स एक्स फीमेल को शो कर रहा है। क्रोमोसोम समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है हमारा प्लास्टिड। ये सिर्फ पौधों में ही पाया जाता है, प्लांट्स में नहीं पाया जाता। इंसान अपना खाना तो भोजन जो भी चीज़ें वो खुद से बना लेते हैं, लेकिन पौधे क्या चल फिर पाएंगे कि वो अपना खुद से बनाएंगे, नहीं ना। तो उनके अंदर में इस कोशिकाओं के अंदर जो फूड बनता है वो किससे बनता है? प्लास्टिड की मदद से बनता है। ये सिर्फ पौधों में ही पाया जाता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। प्लास्टिड को हिंदी में लवक कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट को हिंदी में हरित लवक कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट को अवर्णित लवक कहते हैं और क्रोमोप्लास्ट को वर्णित लवक कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट क्या काम करता है, ये क्या काम करता है, ये फूड को बनाने का काम करता है। प्रेजेंट कहाँ होता है? लीव और स्टेम में, यानी तना और पत्तियों में ये मौजूद होता है। ये क्या काम करेगा, ये फूड को बनाता है। ल्यूकोप्लास्ट रूट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ये फूड को स्टोर करता है। जैसे क्लोरोप्लास्ट ने फूड बनाया तो इसने फूड को स्टोर किया बाद के लिए।
फूड अक्सर तो स्टेम में ही होता है, लेकिन जिन जो पौधे फ्रूट्स देते हैं तो वो अपने जो फूड है वो फ्रूट्स में भी स्टोर करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट आता है इसमें का क्लोरोप्लास्ट, इसे हम वर्णिक लवक कहते हैं। ये कलर प्रदान मतलब कि पौधे को रंग प्रदान करता है, पौधे और उसके फल को। जैसे आम होता है पहले हरा होता है फिर पीला हो जाता है, तो ये क्या काम कर रहा है, उसके जो रंग है उसको ये प्रदान करता है। पत्तियां हरी हैं तो ये क्या कर रहा है, रंग प्रदान कर रहा है। जो उसका तना और जो पूरे डाल हैं वो ब्राउन कलर की होती हैं, तो वो किसकी वजह से होती हैं, क्लोरोप्लास्ट की। कलर जो देता है मीन्स रंग जो प्रदान करता है कौन करता है, हमारा भैया क्लोरोप्लास्ट। आई होप ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं प्रोटोप्लास्म यानी कि जीव द्रव्य। देखिए किसी भी कोशिका के अंदर एक फ्लूइड टाइप का लिक्विड भरा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य। ये इसलिए भरा होता है ताकि जो कोशिका है वो दबे ना, वो एक जो कि एक हमारी जो कोशिका है ये गोल टाइप मीन सर्कल टाइप की होती है ना, तो ये जो कोशिका है ये दबे ना, ये एक फॉर्म में बनी रहे सर्कल के फॉर्म में, इसीलिए इसके अंदर ये द्रव्य जो है वो भरा होता है। देखिए यहाँ पर मीन्स न्यूक्लियस के बाहर जो द्रव्य भरा होता है इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, जिसे हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य। और ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म जो इसके अंदर भरा होता है वो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसे हम कहते हैं केंद्रिका द्रव्य। इन दोनों के ही अंदर साइटोप्लाज्म को हम हिंदी में कहते हैं कोशिका द्रव्य, न्यूक्लियोप्लास्ट कहते हैं हम केंद्रिका द्रव्य। अब आता है हमारा सिलिया फ्लैजला। अब ये जो प्रोटोप्लाज्म था ये कलरलेस भी होता है। नेक्स्ट हमारा आता है सिलिया फ्लैजला, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है सेल्स के बाहर। ये क्या करता है, जो बाहर चीजें होती हैं उनको एब्जॉर्ब करता है, जैसे कोई भी मटेरियल हो गई जो चीज मीन्स फायदेमंद है ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ये आउटर पार्ट में होता है, ये मूवमेंट एज फीडिंग का काम करता है। चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं फिर इसके बाद आगे का इसका समझते हैं। हम समझते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है ये पहले ही बता दिए थे। सेल्स को जो दो भागों में विभाजित किया गया है वो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक है। दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं कि अंतर क्या है दोनों में। सबसे पहले जो प्रोकैरियोटिक है ये स्मॉल होती है। स्मॉल क्यों होती है, क्योंकि ये इनके अंदर मीन्स जितने भी जर्म्स बैक्टीरिया वायरसेस जितने भी चीजें ऐसी आती हैं वो काफी छोटी होती हैं, तो वही चीज इसमें बताइए कि ये स्मॉल होती है। और ये मीन्स यूकैरियोटिक जो होता है ये बड़े होते हैं, इसमें तो हम इंसान आते हैं तो इसकी सब समझ रहे होंगे कि बड़ी होती है, कॉमन सी चीज है। ये इसका जो न्यूक्लियस है वो डेवलप नहीं होता है, मीन्स उतना विकसित नहीं होता है, लेकिन इंसानों का जो न्यूक्लियस है ये विकसित होता है पूरी तरीके से। ये जो है एनर्जी जो है वो साइटोप्लाज्म के द्वारा जनरेट करता है, लेकिन हमारे में एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा जनरेट होता है। इसके अंदर जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की, लेकिन यूकैरियोटिक में सेलुलोज की बनी होती है। और इसके अंदर 70S पाए जाते हैं, और डीएनए जो होता है वो 70S के फॉर्म पाया जाता है और इसमें 80S के फॉर्म में पाया जाता है। सिलिया फ्लैजला दोनों में ही पाए जाते हैं, प्रोटोप्लाज्म दोनों में पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस ये दोनों ही करते हैं। इन दोनों की अपने अपने मेम्ब्रेन होती है और इन दोनों के पास अपने अपने सेल वॉल होते हैं। सेल वॉल जैसे मैंने बताया ना कि पेप्टिडोग्लाइकेन होता है इसमें, और इसमें जो है सेलुलोज होता है, और डीएनए इसमें 70S इसमें 80S। आई होप प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक समझ चुके होंगे, चाहे आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फिर आगे का समझते हैं। सारे टॉपिक सेल्स की जो थी वो हो चुकी है, एक लास्ट टॉपिक बची है वो है डिफरेंस एनिमल सेल एंड बिटवीन प्लांट सेल। देखिए सबसे पहले एनिमल सेल की बात करते हैं। एनिमल सेल्स में जो कोशिकाएं होती है वो काफी स्मॉल यानी छोटी होती हैं, ये गोल होती हैं, इसका जो वैक्यूल होता है वो काफी छोटा होता है और कई बार ऐसे होता है कि नहीं भी प्रेजेंट होता है। सिलिया फ्लैजला इसमें पाया जाता है और इसके अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। अब प्लांट सेल में अगर वही देखें तो इसकी कोशिकाएं बड़ी होती हैं, इसकी कोशिकाएं जो होती है चौकोर होती हैं, इसके अंदर वैक्यूल्स जो है वो बड़े बहुत ही काफी इससे बड़ा होता है कंपैरिजन दैट एनिमल सेल। इसमें सेल वॉल हमारा पाया जाता है, इसके अंदर हमारा प्लास्टिड होता है और जो लास्ट वो क्लोरोप्लास्ट होता है। अब ऐसी चीजें देखते हैं जो दोनों के अंदर पाए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन,
कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा गृह दोनों में पाया जाता है, राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतः प्रदत्त जालिका दोनों में पाया जाता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स ऊर्जा परिवहन का जो काम करता है वो भी दोनों में पाया जाता है, न्यूक्लियस भैया दोनों में पाया जाता है, सेंट्रोसोम जो सेल डिवीजन का काम करता है वो भी दोनों में पाया जाता है। तो आई होप इसका डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ या नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।